नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इस बारे में बात करूंगा। ये व्याख्यान उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या कहना चाहिए जो सोशल रिसर्च से जुड़े हुए हैं। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता से, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, ये अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का वास्तविक अध्ययन करे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करे। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करे जो जिस रूप में उसे प्राप्त हुए हैं। वस्तुपरक गुण पर आधारित अध्ययन वस्तुपरकता वाला अध्ययन कहलाता है। रिसर्च को वस्तुपरक होना चाहिए, या कहना चाहिए कि वस्तुपरकता अनुसंधान की एक आधारशिला है, अनुसंधान की एक आत्मा है। अगर हम चाहते हैं कि अनुसंधान वास्तविक हो, अनुसंधान में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, तो इसके लिए अनुसंधान को वस्तुपरक होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के बारे में अक्सर यह आक्षेप लगाया जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में पक्षपात पूर्ण तरीके से अध्ययन हो जाता है, या बहुत सारे अधिकांश समाजशास्त्री, अधिकांश सामाजिक अनुसंधानकर्ता, चाहे वो किसी भी सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हों, वे वस्तुपरकता को बनाए रखने में असफल रहते हैं और चाहते हुए या ना चाहते हुए वे कई बार तथ्यों को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते जिस रूप में तथ्य उनको प्राप्त होते हैं, या कहना चाहिए घटना को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते जिस रूप में घटना का वो अवलोकन करते हैं। इसका कारण ये है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता समाज में रहते हैं, समाज के सदस्यों के साथ में समय समय पर विभिन्न प्रकार की अंत्यक्रियाएं करते हैं, उनके साथ संबंध विकसित करते हैं, कई लोगों के साथ उनके संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, इतने घनिष्ठ कि वो उनके बारे में कुछ भी गलत लिखना पसंद नहीं करते, उनके बारे में कुछ भी गलत कहना पसंद नहीं करते। और यदि ऐसी स्थिति में किसी ऐसे विषय पर अनुसंधान किया जाए जिसमें कि उन लोगों को भी सम्मिलित करना है, तो निश्चित रूप से वो तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ करके ऐसे लोगों की कमियों को सामने नहीं लाना चाहते अनुसंधान के माध्यम से। सीधी सी बात यह है कि अनुसंधान को वस्तुपरक होना चाहिए। वस्तुपरकता के बिना कोई भी अनुसंधान वास्तविक अनुसंधान नहीं हो सकता। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधानकर्ता मानव है और अध्ययन की वस्तु मानव, मानव समाज, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन आदि हैं। और सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता का सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, भावनाओं और पूर्वाग्रहों का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। एक समाज के सदस्य के रूप में उसकी कुछ व्यक्तिगत धारणाएं हैं, व्यक्तिगत भावनाएं हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं, और इन सब चीज़ों से वो प्रभावित होता है
और इस प्रभाव को कई बार अनुसंधान के दौरान भी देखा जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि जब भी वे किसी घटना का अध्ययन करें, जब भी वे किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, तो उनको वह अध्ययन निष्पक्ष रूप से, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर करना चाहिए। जब अनुसंधान में निष्पक्षता पाई जाती है, अर्थात जब सामाजिक अनुसंधान को निष्पक्षता से स्वतंत्र होकर किया जाता है, पक्षपात से दूर रहकर ऊपर उठकर किया जाता है, तो इसी चीज को हम वस्तुपरकता कहते हैं। वस्तुपरकता के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधानकर्ता अध्ययन के दौरान अपने पूर्वाग्रह लेकर नहीं आता, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण रखता है पूरी तरह से, और वह घटना को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वो घटना का अवलोकन करता है या घटना को देखता है। थियोडोरसन एंड थियोडोरसन के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुपरकता एक गुण है जो उन प्रयासों में अभिव्यक्त होता है जिनके द्वारा वह व्यक्ति या समूह के अस्थायी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पक्षपातों से व्याख्याओं या अनुभवों को स्वतंत्र करता है और उस समय के ज्ञान की परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से संभव पक्षपात रहित एवं सार्वभौमिक सामान्यीकरण प्राप्त करवाता है। वस्तुपरक विश्लेषण में शोधकर्ता श्रेष्ठ उपलब्ध सैद्धांतिक संरचना और अवलोकन की विधि का उपयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति में अधिकतम वस्तुपरकता के लिए प्रविधियों के विकास के लिए प्रयास किया जाता है। तो थियोडोरसन ही नहीं बल्कि मेरा मानना है कि प्रत्येक समाज वैज्ञानिक इस बात से सहमत होता है कि सामाजिक अनुसंधान शत प्रतिशत वस्तुपरक होना चाहिए, क्योंकि यदि सामाजिक अनुसंधान में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात किया जाता है, पूर्वाग्रह के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, व्यक्तिगत भावनाओं के दबाव में अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा अध्ययन वास्तविक सामाजिक अनुसंधान नहीं हो सकता। तो पुनः मेरा यही आग्रह है सभी सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं से कि उनको सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वस्तुपरकता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है।